हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। डेली मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा, जैसे मैं पहले लेकर आता था वैसे ही मैं डेली एक एक क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। एक आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखो ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। तो अगर इस एक साइड दे रखी है 1, एक साइड दे रखी है 3 और दूसरी साइड दे रखी है 2, तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो साइड आपको निकालनी है। तो एक बार वीडियो पॉज करके पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है, पाइथागोरस अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए ना शॉर्टकट याद रखा करो, अगर शॉर्टकट याद रहेगा एग्जाम के लिए तो बेटर रहेगा। एग्जाम में अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसको एक्स मान लो, मतलब जो अपोजिट साइड है उनके स्क्वायर का सम बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 6, तो अंडर रूट 6 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आप लोग को रिजल्ट बताया, याद रखना जब भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो किसी क्वाड्रिलेटरल के तो अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम क्या होगा, बराबर होगा। ये मैं पहले भी एक रिजल्ट में आपको बता चुका हूँ। तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 6, ठीक है। तो डेली कोई ना कोई एक ही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आप उसके सोल्यूशन देखना, पहले खुद से ट्राई करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है स्टूडेंट। पाइथागोरस से आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू।